गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सब्जी से ही। आज मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने तेल कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई तो तेल डाल दिया, और तेल गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया परवल, और परवल को मैं इसमें भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग फ्राई करके बनाते हो या फिर ऐसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे घर में ऐसे सब खाते हैं तो मैं फ्राई करती हूँ। उसके बाद फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेना है। आज मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आगे मुझे और भी कुछ ज़रूरी ज़रूरी काम है इसलिए। तो सब सारे जो परवल थे मैंने निकाल लिया है। उसके बाद जो तेल बचा हुआ था उसी में मैंने तड़का लगा दिया प्याज का। उसके बाद तेल गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया प्याज, प्याज का तड़का लगा दिया है। आप लोग किस चीज़ का तड़का लगाते मुझे नहीं मालूम है, और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरा कुछ खास किचन नहीं है तो मैं सारा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, जीरा का जो पेस्ट होता है वो मैंने इसे सिलबट्टे पे पीस रखा है, तो इसलिए कटोरी में लिया, इकट्ठा ही पीसना था मुझे तो पीस लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया, अब इसे थोड़ी देर तक भून लेना। उसके बाद इसमें डाल देना जो सूखा मसाला है, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सब्जी मसाला, और मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आप सब डालती हैं तो आप डालिए, मैं नहीं डाल रही हूँ आज। तो मैं इसे अच्छे तरह से भून लिया है, मसाला को अच्छे तरह से भून लेना जब तक कि बगल से तेल ना दिखाई देने लगे, तब तक आपको अच्छे तरह से भूनना है। उसके बाद सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे जब सब्ज़ी डाल रही थी तो वो क्लिप नहीं उसे शूट कर पाई, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने सब्ज़ी में लाया, मैं पानी डाल दिया है और नमक डाल दिया, उसके बाद ढक दिया है। फिर ये देखिए मेरी सब्ज़ी जो कि पक चुकी है, और मेरे कमरे में बहुत अच्छी लाइट नहीं है तो फ़ोन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था और बहुत ही अच्छे से खाना मेरा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाया था। ये देखिए मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है और मेरा जो भी सामान था सारा वो पड़ा हुआ है, तो मैं उसे समेट रही हूँ। आप देख सकते हो ब्रश और आई शैडो पैलेट, सारा कुछ टोनर, सारा कुछ यहाँ पे फैला हुआ है, और जो नहीं फैला था वो मेरे बेटे ने फैला दिया है, जो बड़ा वाला बेटा है मेरा वो आ गया था, उसने फैला दिया सारा कुछ। वो सब देख रहा था मामा वो ये क्या पूछ रहा था, इसलिए उसने सारा कुछ फैला दिया है। तो मैं यहाँ पे समेट रही हूँ सारा कुछ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप सबको दिखा देती हूँ मैं कैसे कहाँ पे क्या करती हूँ। तो मेरा कोई फिक्स जगह नहीं है कि मैं कहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँगी, तो मैं एक दीवार है उसी पर मैं एक पर्दा डाल देती हूँ, वहीं पर वीडियो बनाती हूँ। और कभी कभी आप देखते हो, अक्सर ये देखते हो कि मैं बेड पर बनाती हूँ, बेड के पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद वहाँ पर बना लेती हूँ। और मेरा बाबू पीछे बोल रहा था प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, तो उसे अच्छा लगता है ना कि क्या है मम्मा क्या है हर चीज़ में। तो मैं यहाँ पे दो ये कार्डबोर्ड है आप देख सकते हो, ये मेरे पर्पज़ से कुछ जब सामान मंगाया था तो उसमें मुझे ही मिला था, इसी में आया था मेरा सामान। तो मैंने तीन बार ही मंगाया है, तो तीन बार में तीन बॉक्स आ गए, तो एक छोटा है, ये दो बड़े हैं, तो मैं इसमें अपना सारा कुछ जितना भी मेरा सामान है मैं इसमें रख लेती हूँ। तो अच्छा रहता है कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि हाँ मैंने कहाँ क्या रखा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ आप देख सकते हो मैंने इस डिब्बे में रख लिया जितने भी लिप लाइनर हैं, आईलाइनर है, काजल है, वो सारा कुछ है, मैं यहीं इसी में रखती हूँ। तो डिब्बा जो है ये बहुत अच्छा है। और ये था ये जो मैंने हाथ में लिया है, ये एक ब्रश का है और स्पंज है और ब्यूटी ब्लेंडर, जितना कुछ है। मैं जब मेकअप करती हूँ तो अलग अलग रख देती हूँ। उसके बाद ये देखिए लैक्मे का जो मैं यूज़ करती हूँ वो कॉम्पैक्ट पाउडर, तो इसमें दो सेट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारा कुछ फैला था, बस मुझे ऐसे ही याद आया चलो मैं आज दिखाती हूँ सबको मैं क्या कैसे कहाँ रखती हूँ, ऐसे दिखा दे रही हूँ। और जब सारा कुछ हो जाएगा अच्छे से मेरे पास, मैं इसे रखूँगी या फिर मेरे पास रखने के लिए सामान हो जाएगा, मेरा मेकअप जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ,
तो मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। जो फेस का मेकअप होता है वो जैसे बेस मेकअप, वो मैं अक्सर इसमें रखती हूँ छोटे वाले डिब्बे में, और जो मुझे ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है तो ये तीन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये तीनों अच्छा है इसमें रख लेती हूँ। और जो भी सामान एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ। तो घर में कोई नहीं होता है ना तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और मेरा बाबू आज उठ के बैठ गए हैं, इसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ब्रश मंगाया था उसमें। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सोच होंगे कि इतनी ज़्यादा चोरी पहन के क्यों बैठती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने एक अभी वीडियो बनाया था, ये देखो मेरा बेटा आ गया, बोलो हाय। हाय। क्या हुआ? ओके, एक मिनट लो देखा। खाना। अच्छा ठीक, पापा पास बैठो, आ रहे हैं। तो जब भी मैं वीडियो बनाने का सोचती हूँ ना तो ये जरूर आ जाता है, कुछ बोल रहा है जाके। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं अभी वीडियो बनाए एक टीज मेकअप लुक किया था, तो उसमें मैंने ये चूड़ी पहनी थी, आप देखो अच्छी लग रही है ना, ग्रीन गोल्डन और सिल्वर, और ये बीच में जो कंगन है ना, ये देखो ये सारे कलर हैं, उसमें रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन कलर भी है, तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया। आप लोग प्लीज रहते हो या नहीं रहते हो मेरे यहाँ पे, तो मेकअप लुक करना था तो मैंने सोचा चलो मेकअप लुक तो मुझे निकालना ही है, तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं आज सोच रही थी मेहंदी भी लगाऊँ, लेकिन मेहंदी नहीं लगा पाई, क्या कर सकती हूँ, नहीं लगा पाई। वैसे मुझे मेहंदी लगाना सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं कोशिश करूँगी कि आज या कल मैं मेहंदी लगाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा भी लगा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, पीला पीला। तो मैंने रक्षाबंधन में मेहंदी लगाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, और हाथ देखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे देखो तो। ये देखिए मेरा बाबू, ये आज के क्लिप नहीं है, ये सैटरडे की क्लिप है। तो उस दिन मेरा बाबू बहुत ही अच्छा था, उसे थोड़ा सा जुकाम हुआ था, बट वो अच्छे से खेल रहा था, मैं उसे नहला के बैठने ले आई थी, तो खेल रहा था तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना लिया था। ये देखिए मेरे बाबू के चार दांत निकल आए हैं, बहुत क्यूट लगता है जब वो हँसता है, तो पता नहीं कैसे कैसे वो बनाता है। सो गाइस, अभी शाम के बज गए हैं 7 और मैं जा रही थी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने, तो सोचा मैं अपना पहले ये ब्लॉग एंड कर दूं, उसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूं। और मैं आज दिन में 2 वीडियो बनाने वाली हूं, मैंने एक मेकअप वीडियो बनाया, उसके बाद ये ब्लॉग बनाया, दोपहर से सुबह से ही शुरू कर दिया था, उसके बाद दोपहर में आप लोगों से बात की थी, सुबह स्टार्टिंग कर दी थी सुबह से ही, और उसके बाद अब बज रहे हैं 7, शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैं अब सोच रही हूँ, 7 नहीं बज रहे हैं अभी, तो 6, अभी 6:15 हो रहे हैं, अभी 7 नहीं बजे हैं, तो मैं अब चल रही हूँ दूसरा वीडियो स्टार्ट करने, ब्लॉग। तो मैं पहले ही मैंने सोचा चलो पहले ये ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।